डिजाइनर चार्ज भी और सिल्वर भी, और यहाँ पर जो हमारे सम्मानित और जो हमारे और जो हमारे यहाँ पर डिजाइनर चार्ज भी सिल्वर, और यहाँ पर जो हमारे सम्मानित जो यहाँ पर आए आप सब जो इस कार्यक्रम में व्यवस्था पहुँचाए कार्यक्रम में आपका के तहत इन लोगों को जो है 3 महीने का जो है प्रशिक्षण कार्यक्रम और मनसना में जो है 40 जो हमारे शिल्पी थे संपन्न हुआ है। इसके तहत भारत सरकार द्वारा क्योंकि ये रिंगाल के शिल्पी हैं ठीक सामने चलिए ले लो पकड़ लो इसको हाथ में रखो बीच में पता देवी ठीक ये हम रिंगाल का काम करते हैं और ये इसी काम के लिए सीखने के लिए हमें पैसे भी मिले हैं 11,250 रुपये और टोकरी और जो हमने बैग बनाए हैं और ये जो टोकरियाँ बना रहे हैं हम जो केदारनाथ बद्रीनाथ मंदिर के लिए इसमें ये पूजा का सामान जाएगा उसके लिए हम बना रहे हैं। मैं इसमें 5-6 महीने पहले से काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने प्रखंडी में इसकी ट्रेनिंग सीखी है और इस बार मैंने 3 महीने की ट्रेनिंग मनसुना में सीखी है। ये अब सरकार ने हमें इसको बढ़ावा दिया है और हम इसका रोज़गार बना रहे हैं और इसमें हमें आमदनी काफ़ी हो रही है क्योंकि नए ढंग से हमको डेवलप किया गया है नई डिज़ाइन के हिसाब से। और पहले हम सिर्फ कंडी और साटे बनाते थे लेकिन अब जो है इस ट्रेनिंग के दौरान में जो है नई नई जो ये डिज़ाइन मिले हैं उससे हमारा रोज़गार भी अच्छा चल रहा है और भविष्य में अच्छा ही चलेगा। हम ये टोकरियाँ बनाते हैं, ये हमें केदारनाथ पे बेचनी है, इसमें प्रसाद रखा जाता है और ये हम अपने रोजगार के लिए काम करते हैं। ये रिंगाल हम जंगल से लाते हैं, बहुत मेहनत करके रिंगाल का काम करते हैं हम। इसमें ये कहेंगे कि हमारी बेरोजगारी हटेगी इससे क्योंकि हमें रोजगार का मौका मिला है, इससे घर में भी बच्चे पालने के लिए थोड़ा बहुत प्रोत्साहन मिला है हमें सरकार की तरफ। आज जैसे हर एक स्टेट का क्राफ्ट होता है वैसे हम चाहते हैं कि उत्तराखंड का भी जो क्राफ्ट है वो उठ करके मेट्रो सिटीज़ में जाए या इंडिया से बाहर जाए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि लोगों को जो आज की मार्केट में जिस हिसाब से डिज़ाइन चल रहे हैं उस हिसाब से लोगों से डिज़ाइन बनवाए जाएँ, जो आधुनिक औजार है उनको कैसे यूज़ करना है वो चीज़ बताई जाए। और इसका सेकेंड जो सबसे बड़ा रीज़न वो ये भी है जैसे जो रिंगाल है वो हाइटेड एरिया पर होता है और आजकल रिंगाल जो रॉ मटेरियल वो मिलना थोड़ा काफ़ी मुश्किल हो गया है। तो जैसे लोग एक कंडी में कम से कम 30 से 40 जो डगले होते हैं रिंगाल के वो यूज़ करते हैं और उनको बड़ी मुश्किल से 200 रुपये तक की आमदनी होती है एक, और वो भी उनको गांव में जा कर बेचना पड़ता है। पर इससे ये होता है कि अब जैसे हम लोगों ने केदारनाथ के लिए टोकरी बनाई है तो कम से कम 1 या 2 डगला मतलब उसकी कॉस्टिंग अगर 10 रुपये की जो कॉस्टिंग है सिर्फ रिंगाल की उससे हम लोग 200 रुपये तक का आइटम तैयार कर रहे हैं। जैसे एक तो लोगों को जैसे जंगल से रिंगाल लाने में भी सुविधा होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल तैयार कर सकते हैं और उनकी कॉस्टिंग भी उसी हिसाब से कम आए। नहीं, इसमें विपणन की कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को थोड़ी मार्केटिंग नॉलेज कम है। तो इस ट्रेनिंग के साथ साथ उन लोगों को किस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग की जाए वो चीज़ भी सिखाई जाती है। समय समय पे जैसे काफ़ी सारे जैसे IITF होता है दिल्ली में या दिल्ली हार्ट होता है, देहरादून में भी काफ़ी फेयर्स होते हैं तो वहाँ पे इन लोगों को इनका काम डिस्प्ले करवाते हैं। इसमें एक्चुअली इससे पहले हम लोगों ने एक चाय छलनी जिसको बोलते हैं वो हम लोगों ने बनाई थी, इससे पहले एक मनसुना में ट्रेनिंग करवाई थी तो अमेरिका से उस चीज़ का ऑर्डर था। और इसके अलावा जैसे तांबे के जो टंग क्लीनर होते हैं जो कुमाऊ रीजन में मैंने करवाया था वहाँ से भी उसका विदेश से ऑर्डर था जो हम लोगों ने काफ़ी पास भी करवाए।
हाँ, इसमें जो है जो ग्रामीण शिल्पी है या हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए, तो इनके द्वारा जो है रिंगाल की जो है टोकरी बनाई जाती है, जिसमें प्रसाद के रूप में हम लोग उसको जो केदारनाथ में प्रयोग कर रहे हैं, तो उसमें जो है करीब 4.5 लाख रुपए का जो है ये वितरण होना था, तो आज उसमें से 90,000 का वितरण महिलाओं को कर दिया गया, जिसमें पुरुष भी कुछ शामिल थे।